गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स, मार्शी एरिया, फॉरेस्ट, कोस्टल एरिया। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशन। So first one is plant in desert. They are grow in very hot and dry condition. They store water in their stem. They have short and spiny leaves to reduce loss of water. They have long root system that goes deep into ground to absorb water. They have a waxy coating on leaves and stem to reduce water loss. They have slow growth. For example, cactus and date palms. So desert plants are grow in very hot and dry area. Their stems store water. Their leaves are spiny and short. Their roots are long and absorb water. Their leaves are waxy coating and their growth is very slow. Now next is plants on mountain and hills. They grow in very cold temperatures. The trees are straight, tall and cone shaped, so that snow can easily slide off their branches. Their leaves have a waxy coating and are needle shaped, which helps the snow to slide off. They bear cones instead of flowers. For example, pine tree. Means mountain and hill plants are grow in cold area. Their trees are straight, tall and cone shaped. Their leaves are waxy coating and needle shaped. प्लांट इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मीन्स वैसे स्थान जहाँ काफी पानी होते हैं, कीचड़ होते हैं, मीन्स दलदल को हम लोग मार्शी एरिया कहते हैं। मार्शी एरिया हैव वेट क्ले एंड स्टिकी सॉइल। देयर रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रेथ। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रेथिंग रूट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द ग्रो इन मार्शी एरिया आर कॉल्ड मैनग्रोव्स। फॉर एग्जाम्पल राइनोकुरा। ऐसे जो पौधे होते हैं, इनके जड़ जो होते हैं वो सांस लेने के यानी ब्रेथ लेने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग ब्रेथिंग रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यूजुअली हैव वार्म क्लाइमेट एंड गेट ए लॉट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर। दे हैव टॉल विथ ब्रॉड एंड प्लेंटी ऑफ लीव। फॉर एग्जाम्पल ओक एंड रेड वुड। फॉरेस्ट मीन्स सब लोग जानते हैं इसका अर्थ होता है जंगल, जहाँ का क्लाइमेट काफी वार्म होता है और यहाँ काफी बारिश होती है, पूरे वर्ष यहाँ बारिश होती रहती है। और जो ट्रीज होते हैं वो काफी टॉल होते हैं और इसमें काफी घने पत्ते होते हैं। प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के किनारे के स्थान को कहते हैं। They grow in coastal areas. They are tall and straight. Means इनके जो पौधे होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। They are adapted to survive in condition of salty water and heavy rain. Example, coconut tree. So I think you all understood the topic clearly. So next session I will discuss the next topic. The topic name is insectivore.